अभी अभी न्यूज आया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज और टू इम्प्लीमेंट एनआरसी इन द होल ऑफ इंडिया। आई वेलकम द डिसीजन। मैं वेलकम करता हूँ कि पूरे इंडिया में एनआरसी होना चाहिए। त्रिपुरा में तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है कि जो हिंदुस्तान के नागरिक है, पहले वो सुविधा उनको मिलना चाहिए, ना कि कहीं बाहर से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एनआरसी जो होना चाहिए वो जाति, भाषा और धर्म के नाम में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। कोई मुसलमान को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, कोई बंगाली को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, कोई जिसको जिसके ऊपर आपको शक लगे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। जो हिंदुस्तान के नागरिक है उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरा और एक पॉइंट है कि अब क्योंकि अमित शाह जी और मैं, मतलब कि बहुत कम इश्यूज में हमारा एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें मेरा एग्रीमेंट है। मैं और एक चीज प्रपोज करना चाहता हूँ जो मेरे एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट में केस में है उसमें भी एक पॉइंट है कि हिंदुस्तान में एक नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी होना चाहिए। क्योंकि नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी में हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे जो जेन्यूनली हिंदुस्तान में सुरक्षा या रेफ्यूज ले रहे हैं और जो इलीगली आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि दलाई लामा ने असाइलम, ही असाइलम सीकर है, और हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस में कई कन्वेंशन में भी हमने अपने सिग्नेचर्स दिए हैं। तो जो लोग, अगर हिंदुस्तान ने नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी किया तो हम जेन्यून रेफ्यूजीज जिनको कष्ट हो रहा है उनको और इलीगल रेफ्यूजीज के ऊपर हम एक डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। एनीवे, मैं सिर्फ वेलकम करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मूव लिया है कि पूरे इंडिया में एनआरसी होना चाहिए। और मेरे जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो मेरे खिलाफ बहुत बोलते हैं, उनको शौक है, कोई पेशा है मेरे खिलाफ बोलने के लिए। आज से जो 18 महीने पहले जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किया था, तो सब लोग ने कहा था कि वो प्रद्युत तो कॉम्यूनल है, बहुत खराब है। आज नेशनल गवर्नमेंट ने कर दिया, अब आप क्या बोलेंगे? हमने तो 18 महीने पहले किया था, तब तो हमारे ऊपर बहुत लोगों ने गाली दिया, थूका, लेकिन आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हिंदुस्तान में इलीगल माइग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है और इसके लिए एनआरसी होना चाहिए। अब मैंने जैसे पहले से कहा कि एनआरसी जाति, धर्म, भाषा के नाम में नहीं होना चाहिए। जो हिंदुस्तान का जेन्यून नागरिक है उनको रहना चाहिए, और जो गलत तरीके से आए हैं वो नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी के थ्रू रेफ्यूज असाइलम सीख कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और नौकरी हमारा नहीं ले सकते। थैंक यू। बलाई नाम बाय।